नई रेसिपीज और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाय एवरीवन, मैं अनीता, वेलकम टू तड़का विद ट्विंस। आज मैं आपको चावल का खीर रबड़ी स्टाइल में बनाना बताऊंगी। सबसे पहले मैं 1 लीटर दूध उबलने को चढ़ा दी हूँ। अब देख लेते हैं किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। 1/2 कटोरी बासमती टुकड़ा राइस और 7 टेबल स्पून मैंने चीनी ले लिया है, किशमिश, घिसे हुए नारियल और इलायची और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने रख लिए हैं। दूध को अच्छी तरह से उबलने दें और बीच बीच में इसको चलाते रहें। चावलों को मैंने अच्छी तरह से धो के 1/2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब उसे दूध में डाल दें, डाल के उसे अच्छी तरह से हम चलाएं। थोड़ा सा दूध मैंने गर्म दूध निकाल लिया था, उसमें केसर को भिगा के रख दें। केसर का अपना एक अलग कलर होता है, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। उसे मैं बाद में खीर में डालूंगी। अब मैं चावल को बीच बीच में देख लूंगी और एक बार चेक कर लेंगे। अगर चावल 80% पक गया है तो तभी इसमें हम चीनी डालेंगे। पहले अगर चीनी डाल देते हैं तो फिर चावल ठीक से पकेगा नहीं, घुलेगा नहीं अच्छी तरीके से। अब ये केसर वाला दूध भी इसमें डाल देते हैं। अच्छी तरह से इसे हम चला लेंगे और पकने देंगे। अब दूसरे साइड हम फ्राई पैन चढ़ा लेते हैं और 1 टेबल स्पून घी डाल देते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रखे थे उसे इसमें हम डालकर रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को बीच बीच में चलाते रहेंगे वरना ये जल जाएगा। जब अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इसी बचे हुए घी में हम किशमिश को डालकर रोस्ट कर लेंगे। इसे भूनने के लिए हमें कम टाइम की ज़रूरत होती है, एक साथ डालेंगे तो किशमिश जल जाएगा। घी में भुने हुए ड्राई फ्रूट से खीर के का स्वाद बढ़ जाता है। 1 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे, रोस्टेड ड्राई फ्रूट डाल देंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स को बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए। अब इसमें हम किशमिश डाल देंगे और घिसा हुआ नारियल डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह से चलाएंगे। अब हम खीर को पकने देंगे जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। फ्रेंड्स, देख सकते हैं खीर ऑलमोस्ट रेडी है, एकदम गाढ़ी परफेक्ट खीर तैयार है। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं और बचे हुए ड्राई फ्रूट से इसे गार्निशिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, रबड़ी खीर बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है। फ्रेंड्स, त्योहारों का सीज़न चल रहा है, अगर आपको ये मेरा रबड़ी खीर पसंद आया हो तो अपने घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।